वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में शनिवार को महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह और उनकी टीम द्वारा महानगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों सहित कुसमी जंगल के मुसहर बस्ती में जाकर जरूरतमंदों को खाने का पैकेट और पानी वितरित किया गया। साथ ही महिला थाना प्रभारी द्वारा भोजन के साथ ही बच्चों में फल और बिस्किट का पैकेट भी वितरित किया गया, जिसे पाकर बच्चे काफी उत्साहित हुए। वहाँ साथ ही महिला थाना प्रभारी द्वारा लोगों को कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के संबंध में जागरूक करते हुए उन्हें आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखने और आसपास सफाई रखने के साथ साथ खुद की भी सफाई रखने की नसीहत दी गई। इस दौरान महिला कांस्टेबल गुंजन यादव, संगीता सिंह, मिथिलेश राय और किरण चौधरी सहित अन्य महिला कांस्टेबल मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने कहा, सब लोग बैठ जाओ, जितने लोग हैं दादी खा लीजिए, संतोष ये लो। पानी ले लो तुम भैया, बात आप लोग मदद नहीं पहुँच पा रही है, पहुँचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हर साथ अगले लोग हम महिला थाने की जो टीम है उसके द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि शहर का कोई व्यक्ति भूखा न रहे। हम लोग अपने से और जो समाज के अन्य लोग हैं उनकी मदद से जहां तक हो सक रहा है दूर दूर हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं, और जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग खाना पा के बहुत खुश भी हैं, और इन सब जो है पुलिस का धन्यवाद भी कर रहे हैं। मैम, आज क्या सोच के आप लोग शहर से बाहर आके और इस जंगल में लोगों को खाना वितरित? नहीं, हम 3 दिन से शहर से बाहर निकल के खोराबार जंगल पे इस साइड में आके खाना खिला रहे हैं ताकि ये बच्चे भूखे न रहें।